हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो अक्षयण नमो लोहे शमशाहुणम। कर्म भोगता ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र जी ग्रंथ विराजमान है और इसमें अपन छठे अध्याय का दसवां सूत्र खास तौर से जो हमारे छात्र हैं उनके अंग से चला रहे थे। यूं तो सभी के लिए उपयोगी है, अभी तक अपने छह बिंदु चले हैं। आज सारांश कथन रूप में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का सारांश कथन करेंगे अपन और कोशिश करेंगे इसकी सैद्धांतिक व्याख्या। सैद्धांतिक व्याख्या माने हम न्याय से घटा करके देखेंगे कि ज्ञान का आवरण कैसे हो जाता होगा, दर्शन का आवरण कैसे हो जाता होगा। देखो बिंदु यदि सभी टीका पढ़ लेंगे तो आप पढ़ ही लेंगे, छोटी छोटी बातें भी इसमें लिखी हैं। एक प्रकार से चरणानुयोग परक व्याख्या इसमें लिखी गई है। लोभ से शास्त्र बेचना, तत्व प्रचार प्रसार में बाधा डालना, तत्वों का चिंतन नहीं करना, माने पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनका विचार नहीं करते, सुनते हैं तो सुन लेते हैं लेकिन विचार नहीं करते, माने ऐसे सारे बिंदु इसमें लिखे हुए हैं। तत्वोपदेश सुनने में आलस्य करना, आलस्य की यदि अपन बात करें तो आलस्य केवल शरीर का ही नहीं होता है, आलस्य शरीर का ही नहीं होता कि अंगड़ाई लेकर सुन रहे हैं कि जी गला फाड़ के उवासी लेकर सुन रहे हैं, इतना नहीं है। लेकिन मंद उद्यमी को आलसी कहते हैं, जहां अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता हो, हित भाषित नहीं होता हो, वहां सुनता तो है लेकिन ऐसे सुनता है, पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में बोलो मानो औरों की ही बातें सुन रहा हो, प्रसंग पाकर के चतुराई की बातें भी बनाता है ऐसे प्रसंग पाकर के। अभी क्यों आप कौन हो? भगवान आत्मा है। प्रसंग पाकर कह भी देगा मैं भगवान आत्मा हूं, प्रसंग पाकर यह भी कहेगा कि मैं तो पर को छूता ही नहीं हूं, धन आदि को भोगता ही नहीं हूं, ऐसा भी कह देगा। माने प्रसंग पाकर के बिल्कुल क्यों मोक्ष की जरूरत है, हमें मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। माने प्रसंग पाकर चतुराई की बातें भी बनाता है, माने ग्रंथ पढ़ करके ऐसा भी कहना सीख जाता है, परंतु अंतर में ज्ञाय का रस लगे बिना, आत्मस्वरूप की रुचि हुए बिना, यथार्थ तत्व का निर्णय और भाव भाषण हुए बिना वह मंद उद्यमी आलसी ही बना रह जाता है। तो ऐसे प्रसंग तो इसमें बहुत सारे लिखे हैं। आज अपन फिर से इसकी बात कर रहे हैं। देखो मैं इसको समझाने के लिए, चूंकि अपन आज समरी कर रहे हैं इसकी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। बहुत दिनों से स्वामी जी के अपन सब प्रवचन सुनते हैं और ये बात सबको याद ही हो गई होगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। लेकिन मैं इस प्रसंग में से घटा करके देखना चाहता हूं। इस प्रसंग में हम प्रशंसनीय चर्चा करने वाले उनकी प्रशंसा नहीं करते। सच्ची बात यह है कि प्रशंसा करते समय आप दूसरे की प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन जो परिणति आपको रुचिकर लगती है आप उसे प्राप्त करते हैं। जैसे केवली भगवान की स्तुति करते हैं तो केवली भगवान को फायदा नहीं होता, अरंत भगवान को फायदा नहीं होता, वे तो केवली हो गए, वे तो सिद्धालय में चले गए महावीर भगवान, लेकिन फायदा किसको होता है? भगवान के गुणानुवाद उनकी जिनवाणी उनके तत्व ज्ञान की चर्चाओं से उनमें प्रसन्न होने से
आप अल्प काल में उस तत्व की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाती। किसका लाभ हुआ? एक द्रव ने दूसरे द्रव का कुछ किया। वास्तव में व्यवहार की शैली ऐसी है कि हम अनंत भगवान का स्तुति करते हैं, नहीं सच्ची बात है कि अनंत भगवान की स्तुति करते करते हम स्तुत्य हो जाते हैं। फिर से बोलो, श्रीमद राजचंद जी ने एक भजन लिखा है, बहुत सुंदर है, आपको याद आ जाएगा। एक पंक्ति, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भजी ने भगवंत, भगवान को भज करके क्या ले रहे हैं, भाव का अंत, मन सिद्ध दशा प्राप्त हो रही है। हा हा, क्या गजब बात है। अब बोलो, जब हमें अभी हमें क्या लगता है, चलो एक फॉर्मेलिटी है, पूजा करी आए, चलो एक फॉर्मेलिटी, भैया इनके प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत अच्छे ठीक, लेकिन नहीं, ऑटोमेटिक बंदे तद्गुण लब्धे, उन जैसी परिणति प्राप्त होगी। कब? जब उनका वो यथार्थ तत्व भाषित होगा। तो एक पॉइंट घटाया अपन ने, प्रदोष, अर्थात प्रदोष की परिभाषा याद हो गई होगी सबको, प्रशंसनी, तत्व ज्ञान की चर्चा करने वालों की प्रशंसा नहीं करना, मन में दुष्ट भाव रखना। लोक में एक कहावत है, जैसी जहां चाह है वहां राय है। माने यस, जब आपको परमार्थ तत्व, यथार्थ तत्व, पारिणामिक भाव बताने वाले, शुद्धात्म तत्व बताने वाले ऐसे भगवंतों की चर्चा अच्छी लगती है, इसका मतलब है अल्प काल में आप उसे प्राप्त कर लेंगे, कर लेंगे। क्यों? जहां चाह है वहां कर्णानुयोग में ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था बनेगी कि आपके ज्ञायक स्वभाव, सुनना ध्यान से, ज्ञानावरणी कर्म है, ज्ञान पर आवरण हुआ है, आत्मा पर आवरण नहीं हुआ है, शुद्ध स्वभाव पर आवरण नहीं हुआ, पारिणामिक भाव पर आवरण नहीं हुआ है, वह आज भी ज्यों का त्यों है। इसलिए पारिणामिक भाव की चर्चा सुनने पर, रुचने पर, ऑटोमेटिक वो ज्ञान ज्ञाय के सन्मुख होता हो, उस ज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म का आवरण घटता चला जाता है। आवरण नवीन बंद नहीं होता, और पुराने बंदे हो उनका अपकर्षण हो जाता है, पुराना बंदा हुआ उसका अपकर्षण हो जाता है, ऑटोमेटिक फायदा है। कहने का मतलब एक है, हमें किसी का यदि तत्वज्ञान स्तुति करने योग्य है, तो सरल एग्जाम्पल दें, मैं अभी किसी विद्यार्थी को खड़ा करूं और उसकी निंदा करने लगूं, या एक विद्वान का नाम लेकर मैं उसकी बुराइयां करूं, सच बताना मैंने एक विद्वान की बुराई की या मैंने अपने आप को बुरा कर लिया इतने लोगों की नजरों में, क्या हुआ? लग तो ऐसा रहा है व्यवहार में मानो हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की निंदा नहीं कर रहे आप दूसरों की निंदा नहीं कर सकते। दूसरों की निंदा करते समय आप निंद हो गई, दूसरों की पूजा नहीं कर रहे, दूसरों की पूजा करते समय आप पूज्य हो गई। देखो प्रदोष, निन्नव, क्या छिपा रहे हैं आप, क्या छिपा रहे, मैं नहीं जानता, जानते हुए भी, ऐसे वस्तु स्वरूप को जानने पर भी आपको छिपाना अच्छा लगता है, इसका मतलब आपको ज्ञायक छिपाना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपकी ज्ञान की स्वच्छता छिपाने लायक है, समझ में आया? इसका मतलब आपकी ज्ञान की स्वच्छता नष्ट होगी। ज्ञान की स्वच्छता नष्ट होगी का मतलब समझ गए, ज्ञानावरण बढ़ गया, जानते हैं और बड़ी सहजता से कहते हैं हाँ हम जानते हैं, इसका मतलब आपकी ज्ञान की स्वच्छता है और वो आपको प्रिय है। ऐसे परिणति से, ऐसी विशुद्धि से आपकी ज्ञान की स्वच्छता बढ़ती चली जाएगी। पॉइंट कौन सा ले रहे थे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर रहा, 24 घंटे की परिणति में, आपकी परिणति में आपकी ज्ञान की स्वच्छता बढ़ती गई, माने केवल ज्ञान की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मास्टर काय का अहंकार कर रहे हो, अहंकार करने लायक क्या है? रत्नगढ़ साहब का चार्य जी की बहुत सुंदर भाषा में लिखा है, तुम इस क्षयोपशम का क्या अहंकार करते हो, क्या मद करते हो, जो बात पित्त कफ के अंश बदलते ही फिर जाता है। आपने देखा होगा 50-60 साल तक बहुत बढ़िया वक्ता थे, जानते थे, और जरा दिमाग की
आपकी भाषा में कहो तो शिथिल हो जाए, स्क्रू ढीला हो जाए, जरा सा दिमाग फिर जाए, गर्मी चढ़ जाए, कोमा में आ जाए, जरा 60 साल की उम्र के बाद लोग वह कहने लगते हैं, चित्र विचित्र परिणति होने लगे, क्या मतलब, क्या हुआ, काहे को मत करो, मैं जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, इन्हें बता दूंगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएंगे। सुनो, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, तुम बता दोगे तो वो आगे नहीं बढ़ जाएगा, तुम्हारे आगे बढ़ाने से नहीं बढ़ जाएगा, और तुम्हारे पीछे खींचने से भी वो पीछे नहीं हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, याद आ गया, एक द्रव या दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। कल ये बात कही थी, जब हम ये भावना भाते हैं, सारे जगत के जीव भगवान बने, सब इस तत्व ज्ञान को सीखें, शत्रु की शत्रुता मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है उसे तत्व ज्ञान कराओ। यदि कोई शत्रु भी हो ना, जिससे आपको जेलेसी हो रही हो, ईर्ष्या हो रही हो, झगड़ा हो गया हो, उसको उससे तुम्हें सुखी होना हो, शत्रुता मिटानी हो तो तत्व ज्ञान कराओ। उसके तत्वज्ञानी होने पर वो शत्रुता तो मिटी जाएगी, यदि व्यक्ति में कहें इस भाव में, तो पूरे जीवन के लिए ऋणी हो जाएगा वो आपका, क्यों, आपने उसकी उन्नति की भावना भाई है। देखो फिर गजब कह रहे हैं, आप दूसरों की उन्नति की सोचते हैं, इसमें दूसरों की उन्नति नहीं होती, आपकी उन्नति होती है, आपका आपकी पवित्रता बढ़ती चली जाती है। जब इतनी बात आ गई तो मैं थोड़ा सा खुलासा करूं। देखो, जो माता पिता अपने बच्चों को तत्व ज्ञान में नहीं लगाते, पाठशाला आदि, मैंने कहा था ना, अंतर में यही लगता है बच्चे खूब पढ़ लिख जाएं, बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं और अच्छा कमाए खाएं, और तत्व में क्या रखा है, धर्म में क्या रखा है। अब भाई मंदिर तो जाते ही है बच्चे, आप सच में किसी से पूछो कि आपका बच्चा अमेरिका गया है तो क्या हो रहा है, अरे नहीं पंडित साहब बहुत संस्कार लेके गया है। क्या संस्कार लेके गया है, कि सुबह उठ करके नौ वार नमकार मन तो पड़ता ही है, मंदिर तो नहीं मिलता उसको, मतलब ऐसे खुश हो जाते हैं मानो वो बहुत बड़े धर्म के संस्कार लेकर गया। किसा स्वाध्याय, अब वैसे तो स्वाध्याय नहीं करता वो, लेकिन संस्कार पूरे हैं। अब संस्कार कहा के बचे, कमाने के संस्कार बचे, केवल कौन से संस्कार बचे, भेद विज्ञान का संस्कार हो, सत्संगति का संस्कार हो तो कोई बात भी हो, लेकिन वो संस्कार तो दिखाई नहीं देते। क्या मतलब निकला, मुझे ये नहीं कहना है, मुझे ये कहना है जो माता पिता अपने बच्चों में ही तत्व के संस्कार नहीं डालते, इसका मतलब वो अपना ज्ञानावरणी क्रम बांध रहे हैं, ये कहना मुझे। क्यों, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। आप पाठशाला नहीं चलाओगे ना यहां से निकलने के बाद, तो आप समाज का अपकार नहीं करोगे, पाठशाला नहीं चलाओगे तो आप ज्ञानावरणी क्रम बांधकर अपना नुकसान करोगे। कौन सा पॉइंट चल रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। आपके पास अभी, मैं आज न्यूज़पेपर में, आपने देखा हो नहीं देखा हो, आजकल दो चार दिन से हो सकता है, कब से आ रहा मुझे नहीं मालूम, दैनिक भास्कर एक अभियान चला रहा है, यदि आपके पास कोई टैलेंट है तो उसे बांटो, यदि आपके पास कोई ज्ञान है, समझ है, अच्छी बातें हैं, जैसे आपने एक बुक पढ़ी तो उन्होंने उसका नाम रखा है बुक ब्रेक, ऐसा नाम रखा है, यदि आपने पढ़ा है तो आप अपने मित्रों के बीच में, साथियों के बीच में, जो भी बुक आपने पढ़ी 10 मिनट के अंदर उसमें जो जो अच्छाइयां उन्हें बताओ, ताकि सब लोगों तक आपका वो बढ़ता चला जाए, उनको ऑटोमेटिक वो पुस्तक का ज्ञान हो जाए। मुझे ये बात पढ़ करके जो चर्चाएं चल रही ना, उन बातों की याद आई। ऐसे ही हम यदि कोई प्रवचन सुनकर आए हैं, हम 10 लक्षण में से आए हैं, पर्व में से, और यदि हम इधर कोई नई चीज पढ़ते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, फौरन शेयर करो, दूसरों को बांटते चलो, आपके बांटने से क्या होगा, सामने वाला ज्ञानी हो जाएगा, ये तो कहने की भाषा है लेकिन सच्ची बात है। पढ़ लेना आज के न्यूज़पेपर में काफी कुछ लिखा है इसके बारे में, माने आप किस तरह से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, माने सीधी भाषा में कहें तो आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दान करें, और यदि वाणी से नहीं कर पा रहे हो, आप, उन्होंने लिखा है विद्यालय में यदि आप रस्ते में से पढ़ते हुए कहीं आ रहे हो और अच्छी सूक्ति मिली तो आप विद्यालय में लिख दीजिए, आप जहां खड़े हैं वहां लिख दीजिए, वहां बता दीजिए, ना मालूम किसको उसकी निमित्त से प्रेरणा मिल जाए। अपन इसका एप्लीकेशन यहां करा,
आप स्वाध्याय करते हैं आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, या जो भी पढ़ाई करते हैं, उसमें जो आपको अच्छा ज्ञान वैराग्य की बात लगती है, भेद विज्ञान की बात लगती है, स्वानुभव की बात लगती है, आप फौरन कह दो उसे, देखो अपने को लग रहा है कि हम दूसरे को कहकर कुछ भला कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है कि अपना ही हित होता है। कौन सा फार्मूला लगाया भन्ने? अब सुनो, अहंकार का क्या करते हो? छायब समीक भाव का। किसका करोगे? जैसे इसमें आए ना, मात्सर्य करता है, तो क्या छिपाना चाहते हो आप? छायब समीक ज्ञान। इसका मतलब आप छायब समीक ज्ञान हमेशा बनाए रखना चाहते हो, छायब भाव नहीं चाहते। मैं फिर से पूछ रहा हूं, छायब समीक भाव बढ़िया कि छायब भाव बढ़िया? फिर से बोलो, पराश्रित ज्ञान अच्छा कि स्वाश्रित ज्ञान अच्छा? जो छायब समीक भाव है आपके पास, अभी ज्ञान है छायब समीक ज्ञान, ये तो 5 इंद्रियों छठे मन के निमित्त से प्रवर्तता है, ये तो निमित्त से माने निमित्त होते ही करता है, ध्यान रखना, निमित्त से प्रवर्तता है, माने पराधीन है, परावलंबी है, विनाशीक है। और गजब हो गया, तुमने जरा सी किताब क्यों पढ़ ली और अब ऐसा लगता है मैं बहुत जानता हूं। सुनो, बहुत जानना किसको कह रहे हो आप? छायब समीक भाव को। इसका मतलब आपकी दृष्टि में छायब भाव की तो होश ही नहीं है। इसका मतलब आप तुलना कहां कर रहे हो? केवल छायब समीक भाव में। मैं इससे बढ़िया बोल लेता हूं, मैं इससे ज्यादा मेमोरी रखता हूं, मैं इससे ज्यादा पढ़ता हूं, और मेरे पास सूक्तियों का भंडार है, और मेरे पास रेफरेंस बहुत है। माने किसके बल पर आप सर्वज्ञ मान रहे? छायब समीक भाव। सुनो, एक नुकसान हो रहा है, छायब समीक भाव के आदर में ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। और कहूं एक कदम आगे इतनी बात तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई सबको? छायब समीक ज्ञान तो सब समझते होंगे, अपना जो छद्मस्त का ज्ञान है वो कैसा, कैसे होंगे ज्ञानी? यदि आपने 5 भाव पढ़े होंगे तो 4 भाव से भावांतर को प्राप्त पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव, ज्ञायक भाव, अतीन्द्रिय आत्म तत्व, वो आदरणीय है। आपने पढ़ा होगा, मैं रेफरेंस दे रहा हूं समय सार जी का, 5 प्रकार के ज्ञान। कौन कौन से 5 ज्ञान भैया? मति, स्रोत, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान। मालूम समय सार जी में क्या लिखा है? यह 5ों ज्ञान एक पद का अभिनंदन करते हैं। किसका अभिनंदन कर रहे हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूं, 5 ज्ञान में सबसे बढ़िया ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। और अपन किस में खुश हो रहे हैं? मत्सर भाव के द्वारा, अहंकार के द्वारा बड़प्पन काय का आ रहा है? अभी मैं वो बात मैंने रोक दी। कौन सी वाली बात रोक दी? 5ों ज्ञान किसका अभिनंदन करते हैं। मैं थोड़ी देर बाद खोलूंगा, मुझे मालूम है थोड़ा समय लगेगा उसे बताने में, पहले सुनो। अरे रे सुनो सुनो भैया, अभी तो तुझे क्या कहलाता होता है, इंजीनियर का ज्ञान, डॉक्टर का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, जो पूरा का पूरा मिथ्या ज्ञान है, तुझे उसकी महिमा आती है, इसमें सम्यक ज्ञान का अनादर होता है। फिर से बोलो क्या कह गए? आपको भोजन बनाने का ज्ञान, कपड़ा धोने का ज्ञान, घर चलाने का ज्ञान, बच्चे पालने का ज्ञान, सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? कौन सा ज्ञान है ये? लोक की चतुराई का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? मैं अच्छा भाषण दे देता हूं, अच्छे अच्छों को क्या कर लेता हूं, प्रभाव में ले लेता हूं, मेरे सामने तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, कौन सा ज्ञान? क्यों ये अज्ञान क्यों कह रहे हो इसे? क्यों कह रहे हो? बोल दो जल्दी से। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अहंकार का क्या कर रहे थे? बीतरा विज्ञान का क्या क्या अहंकार कर रहे थे आप? हे मैं बीतरागी हूं, मैं सम्यक ज्ञानी हूं। मैंने इसलिए बात उठाई फिर से, मत्सर भाव किसका? सुनो, आत्मज्ञानियों को मत्सर भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे पास अभी है ही कितना, सम्यक दृष्टि के पास सम्यक ज्ञान है कितना। ओहो, सर्वज्ञ भगवान के सामने, आपको याद होगा, वैसे आप लोगों में से तो नहीं, आप लोगों में से शायद जो वर्तमान के विद्यार्थी 5 साल बैठे हैं, जो उन्होंने सुशीला श्री को तो नहीं सुना होगा,
है ना, नहीं सुना हुआ, लेकिन भैया ने सुना है, भाई साहब ने, शांति जी ने, और भी लोगों ने सुना होगा। वो इतनी इतनी मीठी भाषा बोलते थे, इतनी मीठी भाषा बोलते थे, वो उनकी याद आ जाती इस मामले में। आहा, चार ज्ञान के धनी गर्धर परमेष्टि, ओ हो, समाव शरण में ऐसे खड़े रहते हैं दिव्य ध्वनि सुनते हुए, ऐसे बोलते हैं, हे प्रभु, कहां आपका केवल ज्ञान का समुद्र, कहां आपका सर्वज्ञता, सकल द्रव के गुण अनंत, पर जाए अनंता और जाने एक ही कल। ये प्रभु, कहां आपका ज्ञान समुद्र और कहां मेरा छाया सीमित। चारों ज्ञान कौन से भाव है? चारों ज्ञान कौन से है? छाया सीमित ज्ञान। कहां मेरा सड़ा हुआ तृण तुल्य ज्ञान। तृण तुल्य नहीं कहा, एक विशेषण लगा दिया, सड़ा हुआ। ओ, कहां आपका केवल ज्ञान समुद्र, ओ हो, कहां मेरा कौन सा ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही नहीं, मना पर यह ज्ञान, ओ हो, इसकी कोई कीमत नहीं है, और ऐसे चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे ये बात बार बार इसलिए याद आती है, आज हम जरा बोलना सीख जाएं, जरा पढ़ना सीख जाएं, जरा कहना सीख जाएं, तो फौरन ऐसा लगने लगता है ऐसा लगने लगता है, कौन सा भाव आ जाता है, कौन सा दोष हो जाता है, मत्सर भाव। हम अब दूसरों को सुनेंगे, अब हमें क्या सुनना, वो तो हमारे बच्चे हैं। मुझे एक बात याद आई, 1985 की घटना है यहीं की, जब 84-85 के लगभग की बात है, बाबू भाई जी विद्यमान थे जब यहां पर, उससे पहले की घटना है जी। बहन श्री शांता बहन, वो भी यहां पर रहे थे जब, तो बच्चों के जब प्रवचन चलते ना, छात्र विद्वान के प्रवचन, तो शांता बहन उनके प्रवचन में नहीं आते थे, और बाद में जब डॉक्टर साहब का प्रवचन चलता था तब आते थे। कौन? बहन श्री शांता बहन। तो बाबू भाई जी को जिन्होंने देखा है 1985 के पहले पहले 84-85, वो छात्र के प्रवचन सुनने भी आते थे, वे छात्र के प्रवचन सुनने में बैठते थे। तो उन्होंने शांता बहन को एक बात बोली थी कि बहन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये छात्र का प्रवचन है, आपको ऐसा क्यों लगता है, वो तो गर्दर की गादी है, और यदि आप सुनोगे बड़ा गौरव महसूस होगा, वे और सावधानी से बोलेंगे, और सावधानी से पढ़कर आएंगे, तैयारी करके आएंगे, और जब आप उनके सिर पर हाथ रख दोगे ना, और जरा ऐसा भी बोल दोगे, बहुत बढ़िया बेटा, उन्नति करो, तो आपके इतने से बचना वचन उनके लिए टॉनिक का काम करेंगे, अमृत का काम करेंगे। तो शांता बहन श्री ने उनको ये कहा, हमारी घनी भूल थी गई, गड़धरनी गादी सामे हूं नानी छू, नानी छू समझ गए, ग्रैंड मदर नहीं नानी माने छोटी हूं मैं, ये उनकी लघुता थी। और उसके बाद फिर उन्होंने सुनना शुरू किया। मुझे वो घटना जब से याद आती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी, जैसे उस दिन मैं बहुत थका था, जो अनुभव सुना रहे थे बच्चे अपने 10 दिन के, लेकिन मैं बैठा क्यों, कि बच्चों को ग्रेस लगती है, यदि इन बच्चों के सिर पर विद्वानों की छत्र छाया रहे। अब वर्तमान में युगल जी बाबू जी इतने अस्वस्थ हैं कि वो आ नहीं पाते, लेकिन आप लोगों के समय में वो आते थे, लालू भाई जी आते थे, तो बच्चों को लगता था कि कोई हमारे सिर पर है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, बच्चे कुछ भी एक्टिविटीज करेंगे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, और सुनो, हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता, मैं तो थोड़ी प्रशंसा आपकी करता हूं, और आप इतने सारे लोग मिलकर मेरी प्रशंसा करते हो, बोलो फायदे में कौन रहा मैंने प्रदोष टालने का ये फायदा है, मत्सर भाव नहीं करो भैया, कभी नहीं करना, क्यों, मद मत्सर उस दीमक की तरह है, लाख की तरह है, जो पीपल के वृक्ष को अंदर ही अंदर नष्ट कर डालती है। आपका ज्ञान नष्ट होगा, क्या गजब है, किसका मद कर हो ऐसी लघुता। अब लघुता की बातें सुनाई जाएं। स्वामी जी को पहली बार समयसार जी मिला, श्रीमद राजचंद जी को पहली बार समयसार मिला। अपने को सही बताएं, अभी भी समयसार जी की वैल्यू नहीं आती, क्योंकि अपने को मिल गया ना इजीली। उन्हें कैसे मिला था,
अपन तो अभी भी सोचते हैं यदि 10 रुपए का समय सारजी हो तो ये सोचते हैं कि अपन बाद में ले लेंगे जब घर जाएंगे, क्यों कि तब तक क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा 50%। और बाय द वे यदि कोई नया प्रकाशन आ गया हो तो ऐसा लगता है कि अपने को भी गिफ्ट में मिल जाए, एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ नहीं कर रहा, माने आप अपने को लॉस पहुंचा रहे, ये समझो आप। कैसे सोने की मुद्राएं ऐसे भर भर के, कैसे रत्न दे दिए होंगे भर करके, क्यों? और स्वामी जी ने कैसे, पता है आपको, पूरे जीवन स्वामी जी की लघुता की बात करें, मत्सर भाव की प्रकरण चल रहा है, जब पहली बार जिनेन्द्र देव की प्रतिमा सोनगढ़ पधारी, पहली बार प्रतिष्ठित नहीं हुई थी अभी, और स्वामी जी सब भूल गए और आंखों से 10 मिनट तक आंखों से आंसू की धार, हा प्रभु कहां विदेश क्षेत्र में मैं आपके साक्षात वाणी सुनता था और आज आपको विराधना करने के फल में मेरी आपका विरह हो गया, साक्षात सर्वज्ञ नहीं है यहां, साक्षात कोई केवल ही नहीं है, मुझे विरह पड़ गया है, आपका ये बालक, आपका ये पुत्र आपके विरह में आपकी प्रतिमा से काम चलाएगा, क्या कह रहे हैं, मैं उसमें स्थापना करके अपना जीवन पूरा करूंगा। 10 मिनट तक ऐसे लेट गए साष्टांग, 10 मिनट तक, और जो लोग उनके निकटवर्ती थे वो बताते थे प्रतिदिन सुबह स्वामी जी 3:30 बजे जाग जाते थे, और सबसे पहले जब प्रतिमा नहीं थी और प्रतिमा भी विराजमान हो गई उसके बाद भी समय सारजी और आचार्य कुन कुन स्वामी को स्मरण करके समय सारजी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। ये बात हमें सुमन भाई जी ने बताई, हमने अपनी आंखों से देखी ये बात, सुमन भाई जी राजकोट के, रोजाना ऐसे प्रणाम करते थे, उनको इतनी महिमा आती थी, आप गौर से देखना, कभी भी उन्होंने आचार्य कुन कुन स्वामी का, इसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया है, आचार्य उपाध्याय साधु आदि ज्ञानियों के नाम उपेक्षा से लेना, लापरवाही से लेना, पढ़ लेना आप इसमें, अनादर करना, तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना, ज्ञानियों के प्रति वक्ताओं के प्रति अनादर भाव रखना, इस पर मैं आपको सबको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो अभी अपन बहुत आदर से बोलेंगे, मेरा नाम कैसे बोलोगे यहां, सुमत भाई जी, सुमत प्रकाश जी, जतीश भाई जी, कैसे नाम लोगे आप, अच्छे आदर से नाम लोगे, लेकिन जब आप ही में से उद्दत्ता आ जाती है ना, उद्दत्ता, आचार, आचार भी नहीं, कुंद कुंद कहते हैं, कहते भी मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इसलिए वीर सेन लिखते हैं, और कोई कोई तो जोर से बोल जाते हैं, क्या बोलते हो, चिल्ला चिल्ला कर कहा है, क्या भाषा है भैया, आचार कौन कौन परम पंच परमागम है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तू भगवान है, ये कौन सी भाषा है भैया, लिखा है इसमें ज्ञानवर्णी के कारणों में लिखा है, आप पढ़ना इसे, अनादर से बांचना, अनादर से कहना, क्यों, एक पत्नी अपने पति को कैसे बोलती है, आपको वैसे तो मालूम ही होगा, आप ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं, क्या लिखा है भैया, आदर के लिए एक वचन के शब्द भी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, याद है, आप कब आए, तू कब आया, ऐसे नहीं बोलेंगे एक वचन तो ऐसे ही बोलना चाहिए, आप कब आया भाई, आप हो गया आदर में, और आया आया बोल दो, आया ही होना चाहिए, एक व्यक्ति आया है तो एक एक वचन में तो आया बोलना चाहिए, आप कब आए, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एक व्यक्ति आदरणीय है, विद्वान है, बड़े हैं, पूज्य हैं, आचार्य हैं, तीर्थंकर हैं, एक हैं, लेकिन एक होने पर भी उनके साथ बहुवचन बोलेंगे हम। अब अपन ने क्या लिखा है, कुंद कुंद ने लिखा है, क्या लिखा, क्या लिखा भैया, और इसीलिए आजकल एक भाषा सुनी होगी आपने, मैं महावीर को चौराहे पर खड़ा कर दूंगा, भैया खड़ा कर दूंगा, कौन खड़ा हुआ चौराहे पर, महावीर भगवान चौराहे पर आए हों चाहे नहीं आए हों, लेकिन एक द्रव दूसरे द्रव को तो खड़ा कर नहीं सकता समझ गए, कौन खड़ा हुआ फिर चौराहे पे, सड़क छाप कौन हुआ फिर, भगवान महावीर की, अपन, ये दृष्टांत दिया मैंने आपको, अनादर की भाषा नहीं बोलो भैया, वो दत्ता में निकलती है बातें, जब आपको गरूर हो तब ऐसे निकलता है, पूछ कौन सी गाथा पूछ रहे, पूछ, अरे भैया ऐसे क्यों, भैया देखो मेरी बुद्धि होगी, आप टोडरमल जी साहब की चिट्ठी पढ़ो, मुल्तान गई थी जो, कैसी नम्र भाषा, एक महाविद्वान
पूरे हिंदुस्तान की शोभा उनके पत्र के व्यवहार की भाषा देखो आप। मत्सर भाव से किसका नुकसान होता है? दूसरे का नहीं होता। आप दूसरे से अहंकार की भाषा बोलकर उसे नहीं दबा रहे हो, उसे नहीं घटा रहे हो, वास्तव में उससे बोलते समय आप अपने आप को घटा रहे हैं। आगे समझ में आया? ऐसी लघुता की भाषा, जो मैंने स्वामी जी का दृष्टांत दिया आपको जीवन के, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। सच्ची बात तो है, बताई देते हैं आपको लघुता के एकाध और दृष्टांत। देखो, पानी से भरा हुआ जग, जग समझिए, जग क्या बोलते हैं, पानी से भरा हुआ जग, यदि वो भरा हुआ है ना तो स्वयं झुक करके दूसरों को पिलाता है। खाली गिलास को कौन दे रहा है भर के पानी? झुक कौन रहा है? भरा हुआ जग झुक रहा है। खाली को झुकना चाहिए, भरे हुए को झुकना चाहिए? ऐसे ही जो ज्ञानी है, यदि सचमुच आप तत्व ज्ञानी हैं, सचमुच आप आत्मज्ञानी हैं, सचमुच आपके पास क्षोभसम ज्ञान की अधिकता है, तो अभी इसका मतलब, इसकी पहचान ये है कि आप नम्र करके कितना दे पाते हैं। खाली गिलास को कितना दे पाते हैं? खाली गिलास आप झुककर कितना दे पाते हैं, इससे मालूम पड़ेगा कि आप कितने भरे हुए हो। एक खाली गिलास और एक, दोनों में से झुकने पर किसको फायदा होगा बताओ? किसको फायदा होगा? तो नहीं होगा। एक दृष्टांत हुआ, अब अभी दूसरा दृष्टांत भी दिया है ग्रंथों में, बहुत सुंदर दृष्टांत है। जब तक वृक्ष पर फल नहीं आते तो उसकी डालें ऐसी होती हैं, जरा में हिलके ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और जब आम से भर जाती हैं, जब वो डालियां आम से भर जाती हैं तो झुक जाती हैं, झुक जाती हैं, और फिर हवा चलने पर तरंगित नहीं होती, वो चंचल नहीं होती, वो ऐसे नहीं, बल्कि हवा और झुक जाती हैं। हवा चलने पर तो और झुक जाती हैं, मतलब समझ आया कुछ? कि अब हम फलों से भर गए हैं, हे जगत के भूखे प्यासे प्राणियों आओ। इसका क्या मतलब? कि जो तत्व ज्ञान से भर गए हैं, आत्म ज्ञान से भर गए हैं, सम्यक ज्ञान से भर गए हैं, और जिनका, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा डिफरेंस करूंगा, मैं छायाव समय ज्ञान की महिमा नहीं कर रहा हूं, मैं छायाव समय ज्ञान की पवित्रता की बात कर रहा हूं। छायाव समय ज्ञान बढ़ जाने पर अहंकार बढ़ता है, और छायाव समय ज्ञान की पवित्रता होने पर अहंकार मिटता है। डिफरेंस समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आया? फिर से बोलूं कि बोलोगे आप? बोलो, क्या बोलोगे? छायाव समय ज्ञान बढ़ने पर अहंकार बढ़ सकता है, बढ़ता ही है यूं समझो आप, और छायाव समय ज्ञान की पवित्रता होने पर लघुता बढ़ती है, लघुता से प्रभुता मिलती है। आगे इतनी बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान रखना इस बात का, कभी ऐसी भाषा नहीं बोलो, इस तरह की भाषा, समझ गए? तो मत्सर भाव नहीं रखना, बल्कि सच्ची बात यह है, केवल ज्ञान के सामने अपना ज्ञान हल्का हल्का, क्या कहें, कुछ दिखाई नहीं देता, सड़ा हुआ तृण तुल्य दिखाई देता है। विमल दादा झांझी साहब का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपने प्रवचन में एक बात कही इस बात के लिए, सौ इंद्र भी तीर्थंकरों के समाव शरण में पिल्ले की भांति बैठते हैं। पिल्ला समझ गए? पिल्ला समझ गए? माने हम कुछ नहीं है। कौन कौन कौन? एक भवावतारी इंद्र, कौन? एक भवावतारी इंद्र ऐसे बैठता है, हे प्रभु। कैसे कैसे ज्ञानियों की सेवा करते होंगे एक भवावतारी, कैसे वो चवर ढारते होंगे, और कैसे द्वार पर खड़े रहते होंगे समोसरण की, अब कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब है आत्मज्ञानियों की, आत्मज्ञानियों को आत्मज्ञानियों की महिमा आती है। और ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? इसीलिए कि हम सब अल्पकाल में आत्मज्ञानी हों। बराबर, आगे चलें। तो ये अभी तक कहां तक बात आ गई? मत्सर भाव की, फिर से रिपीट कर लिया अपन ने। वास्तव में मत्सर भाव, अहंकार का भाव, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव, और जगत में, रुक गया मैं थोड़ा सा, सुनना ध्यान से, जगत में अपना ऊंचापन व्यक्त करने का भाव। अपन एक बहुत अच्छा लेख लिखा हो, 10 लक्षण में बहुत अच्छा प्रवचन करा हो, तो बार बार हम अपने वाणी से अपने आप को कहकर के ऊंचा दिखना चाहते हैं। सुनो, कोई फायदा नहीं है।
आप अपनी वाणी से अपनी बातें कह करके ऊंचे दिखना चाहते हो, इसमें सचमुच नीचा हो जाते। अच्छा एक बात करो, बात बात में ऐसे मैं कहूं मैंने ऐसे किया और फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, तो आप अपने आप ही अंदर अंदर क्या होगा मालूम, क्या होगा। अभी इसमें छठे अधिकार में ही एक सूत्र आएगा, आपको याद होगा, सीनियर वर्ग बैठे हैं, नीच गोत्र का बंध का हेतु क्या कहा, परात्म निंदा प्रशंसे, यही है ना। परात्म माने पर और आत्मा, और निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करने वाले को कौन सा गोत्र का बंध होता है। देखो मैं यहां पर क्रिटिसाइज करता रहूं दूसरे विद्वानों की और अपनी अपनी प्रशंसा करूं, इतने सारे लोग उठते से ये कहेंगे भैया जी पंडित जी तो बेकार है जी, नीच गोत्र का उदय आ गया। देखो नीच गोत्र का उदय आ गया, बंद तो हुआ ही है, अभी तो उदय आ गया, उदीर्णा, जिसको उदीर्णा कहते हैं, उदीर्णा आ गई। क्या मतलब, आप यदि सचमुच प्रशंसनीय बनना चाहते हो तो अंतर्मुखी होते जाओ, अपनी प्रशंसा के शब्द मत ढूंढो, तीन लोग आपकी प्रशंसा करेगा, तीन लोग। अब मैं थोड़ा और अच्छी भाषा में कहूं, तीन लोग करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी प्रशंसा सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में खिल रही, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। कौन की सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में, कल्पना करो आप, मैं अपना नाम लूंगा आप अपना समझ लेना, विदेह क्षेत्र में इस समय सीमंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में खिल रहा है कि जो सुमत प्रकाश प्रवचन कर रहे हैं ना वे अगले भव में मोह जाएंगे, तो अब इससे बड़ी प्रशंसा हो सकती है। और अब दूसरी वाणी में खिल रहा हो दिव्य ध्वनि में कि जो सुमत प्रकाश प्रवचन तो बहुत करता है लेकिन क्रियाकांडी है और बड़ा अहंकार दिखाता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता है, इस बेचारे ने इतना पढ़ लिख करके ब्रह्मचर्य की साधना करने के नाम पर भी अपना संसार सागर बढ़ा लिया। हाँ अब कितना बढ़िया फायदा है क्या, अब सारी दुनिया पीठ ठोक भी दे, फायदे में कहां रहे। और जब इतनी चर्चा आई गई, थोड़ी सी इशारा कर रहा हूं, किसकी निंदा प्रशंसा लिखा है वहां नीच गोत्र में, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा। सुनो ये सूत्र पापियों को देखकर लिखा है, सम्यक ज्ञानी को देखकर नहीं लिखा। क्या कह रहे हैं सुनना सभी लोग इसका मर्म, क्या मतलब, अरे रे सम्यक दृष्टि को तो पता है कि आत्म माने कौन, यह जो नीच गोत्र का कारण लिखा है वो तो आत्म माने शरीर, मैं पैसे वाला हूं, वो अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, शरीर की प्रशंसा करता है, कौन आत्म किसको कह रहा है, वो आत्म स्वय किसको कह रहा है, वो तो पर को कह रहा है, उसे नीच गोत्र का बंध होता है। और फिर दूसरों को देख देख करके निंदा करता है तो वो नीच गोत्र का बंध हुआ। ले अब हम इसको उलट रहे, केवल बता के छोड़ रहा हूं, अभी पूरा नहीं खोलूंगा, समझ लेना आप जाके। अरे रे सुनो, जो अपनी प्रशंसा करते हैं उनको तो उच्च गोत्र का बंध होता है, ध्यान से सुनना पूरी बात, क्या बोला हमने सुनना, देखो पलट गई बात, अपनी प्रशंसा करते हैं उन्हें उच्च गोत्र का बंध होता है, और जो अपनी प्रशंसा का विकल्प तक खड़ा नहीं होता, जिन्हें उनको गोत्र कर्म का अभाव होता है। क्या कहा, पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया, फिर से समझ आया, बोलो क्या, कौन बोलेगा, केवल हाथ खड़े करो जल्दी से, हम एक जने से पूछ लें जल्दी से। हाँ चलो जिनेश ही बता रहा है सबसे आगे, पीछे वालों से ही पूछूंगा भाई, सुनना ध्यान से। हाँ बोलो बेटी, बंद होता है, हाँ अभाव ही हो जाता है, बहुत बढ़िया। अब यहां आत्म प्रशंसा किसको दे दिया मैंने, उच्च गोत्र के अर्थ में जो अपने आत्मा के अनंत गुणों की प्रशंसा करते हैं, उसमें प्रसन्न रहते हैं, उनकी बात उसकी चर्चा करते हुए हर्षित होते हैं। हम एक बात पूछ रहे, आज गुरुदेव श्री को कितनी प्रशंसा क्यों हुई, उनके उच्च गोत्रपना क्यों हुआ, और भविष्य में भी उनका उच्च गोत्र क्यों होगा, कि सारे जीवन आत्मा के गीत गाते रहे और आज इसीलिए हम उनकी महिमा गाते हैं।
और जो आज थोड़ी भी चर्चा में आत्मा को दबाते हो, निमित्त को प्रधान करते हो, अपन फौरन कैसे देखने लगते हैं, कैसे देखने लगते हैं, बस यही समझ लो नीच गोत की उदीर्णा हुई उनको। खैर अभी अपन गोत्र कर्म की चर्चा नहीं कर रहे थे, ये तो बीच में थोड़ा सा टॉपिक आया इसलिए बताया है। फिर से मत्सर भाव, अब एक अंतराय की चर्चा और थोड़ी सी कर रहे हैं अपन, थोड़ी सी अंतराय की चर्चा, हालांकि अंतराय कर्म में इसकी चर्चा विस्तार से होगी, अंतराय कर्म में इसकी चर्चा विस्तार से होगी, अपन अब इसकी चर्चा यहां नहीं कर रहे ज्यादा, लेकिन मैं अंतराय नाम आया इसलिए कह रहा हूं। अभी तक कल तक अपन ने सारी चर्चा कर ली जो व्यवहार से कही गई थी, पूरी चर्चा अपन ने कल तक की है। अभी एक बात कहना है, सुनो भैया, आपका दूसरे को अंतराय डालते हैं, वास्तव में तो एक द्रव दूसरे द्रव को अंतराय नहीं डाल सकता, वास्तव में अंतराय डाल, ध्यान से सुनना, अंतराय डालने का भाव ही अपने लिए अंतराय है। फिर से क्या कहा, देखो समय, एक बहुत सरल दृष्टांत देता हूं आपको, पांचों पांडव ध्यान में मग्न थी, ध्यान में मग्न थी, उनमें से दो को केवल ये विकल्प आया कि ये चारों भाई निर्विकल्प रहें। ध्यान से सुनने के शब्द, अच्छा भाव किया था कि बुरा भाव किया था, अच्छा भाव किया था कि बुरा भाव किया था, फिर से बोलूं क्या, दो मुनिराजों ने, कौन नाम बोलो, नकुल सहदेव ने खराब भाव किया था कि अच्छा भाव किया था, बोलो। अब अच्छा कैसे कहें, जो भाव किया था उससे उनको अंतराय नहीं डला, जिनने विकल्प किया उस विकल्प के कारण स्वयं को अंतराय पड़ गया। अरे सुनो भैया, जो दूसरों को अंतराय डालने की सोच रहे हैं उनका तो क्या होगा। जो दूसरों को पढ़ने में विघ्न डालें, स्वाध्याय में विघ्न डालें, सामायिक में विघ्न डालें, पाठशालाएं नहीं चलने दें, प्रवचन नहीं होने दें, शास्त्र नहीं छपने दें, शास्त्र नहीं पढ़ने दें, उनकी तो भगवान ही जाने। समझ गए आप, आराधना नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन आराधकों को देख करके विराधना का भाव नहीं करना। कम पढ़ने वाला विद्यार्थी ज्यादा पढ़ने वालों को देख के मजाक उड़ा लेते, नहीं उड़ा लेते, पढ़ ले बेटा, किताब का कीड़ा बन जा। हम कह रहे तुम ज्यादा पढ़ो तो शाबाश, नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम दूसरों की पढ़ाई देख देख करके। हाँ बोलो, आगे बोलो, कौन सा पॉइंट चल रहा है, मैंने कौन सा दृष्टांत दिया है आपको, अंतराय डालने वाले का क्या होगा, ये तो मैंने बोला ही नहीं। जो दूसरों के मामले में विकल्प करते हैं ना, जितना विकल्प करते हैं उस विकल्प से स्वयं को अंतराय खड़ा हुआ। अब अपन समेट रहे इस विषय को, अंतराय वाली चर्चा को ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। मैंने कहा बात उठाई थी, पांच प्रकार के ज्ञान एक पद का अभिनंदन करते हैं, ध्यान से सुनना। तो शुरुआत यहां से की थी कि जो मिथ्या ज्ञान की प्रशंसा में मस्त हैं, मिथ्या ज्ञान में ही मत्सर भाव रख रहे हैं, उनको तो सम्यक ज्ञान की विराधना होने से ज्ञानावरणी क्रम बन रहा है। अब इस पॉइंट को हटा रहे हैं हम। अब तत्व ज्ञान और क्षेत्रम ज्ञान में जो मस्त हैं, प्रसन्न हैं, वे छाई ज्ञान का अनादर कर रहे हैं। माने जो चार ज्ञान में प्रसन्न है वे भी किसका, छाई भाव की, वे ज्ञायक भाव के विराधक होने से ज्ञानावरणी क्रम बांध रहे हैं। अजय थोड़ा सा, मैंने इसीलिए उस समय नहीं बोला था, मैंने पहले ही कहा था मैं स्टेप बाय स्टेप उठकर आऊंगा। देखो इतनी स्टेप बाय उठने के बाद हम ये बात कह रहे हैं, धन है वो ज्ञायक भाव जिसमें चार भाव नहीं है। चार भाव कौन कौन से नहीं है, औदयिक, औपसमिक, छायासमिक, छायिक भाव नहीं है। ओ हो हो, केवल ज्ञान क्यों प्रकट हुए भैया, छायिक भाव, छायिक भाव की महिमा के कारण। ए ध्यान से सुनना, मुझे बदलना है बात। अब देखो, अब शाम का टाइम है और थोड़ी समझना, छायिक भाव की महिमा देखना, ध्यान से सुनना, छायिक भाव की महिमा करने से तो छायिक भाव नहीं होता महिमा, लेकिन छायिक भाव की ओर देखने से भी नहीं होता। माने अभी अंतराय की बात चल रही है, लगा लोगे कि मैं, मुझे कहना पड़ेगा, बोलो संतोष कैसे बोलोगे, बोलो
छाय भाव की ओर देखना भी अंतराय है। क्या कमाल होगा, साक्षात सर्वज्ञ भगवान को देखते देखते परिणति अंतर्मुख होती होगी। जब तक आपको अंतराय नहीं लगता ना, देखो सुनना जरा, अब बिल्कुल पीक टाइम है, आखिरी आखिरी दो चार मिनट सुनना, नहीं समझ में आया तो और बता देंगे, चिंता नहीं करना, लेकिन आप सुनो। अभी हम सब इसी बात में अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, हम बड़ी महिमा करते हैं, और पंडित जी मैं बाजार का नहीं खाता, मैं कपड़ा तक नहीं जींस का पहनता, मैं ऐसे नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, मैंने जरा थोड़े बहुत इधर उधर कर लिया ना उलट पुलट, और इतने में मैं चौड़ा और गली सकरी, सीधे मुंह बात नहीं करते, दूसरों से चर्चा वार्ता नहीं करते, काय के लिए, तुम हमारे आगे लगते कहां हो। मैं उनकी तो हम क्या बात करें, यहां तो ये कह रहे हैं छाय भाव की ओर देखने वाली परिणति भी अंतराय बांध रही है। और कह दूं थोड़ा सा, कैसा गजब होगा ये आत्मविज्ञान, कैसा होगा ये अध्यात्म विज्ञान, कैसा होगा जो दृष्टि का विषय है कि जिसको ये विकल्प तक बर्दाश्त नहीं है कि मैं गायक हूं। अब लो और सुनाओ, अभी अभी कौन की बात कह दी थी अपन ने, छायिक भाव की, किसकी कही थी अभी तक, छायिक भाव। अब तो कह रहे हैं जो पारिणामिक भाव का भी विकल्प करते हैं, सुन रहे, वे भी अंतराय डाल रहे हैं, अंतराय पड़ रहा है। अब कितना सूक्ष्म विज्ञान होगा ये सोचो। अब जिन ज्ञानियों को ये सब बात ख्याल में है, भगवंतों के सामने देखते देखते भी जिनको असह्य लगता होगा, असह्य, तत्काल उपयोग डाइवर्ट होकर अंतर्मुख होकर के उस पारिणामिक भाव में मग्न हो जाता है, इसका नाम है जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सदगुरु वचन सुहाए। कठिन तो नहीं लगा? अब देखो, इसीलिए आज सीनियर वर्ग आगे बैठा था ना, तो हमने इतनी गंभीरता से बात ली, और नहीं तो फिर हम थोड़ा और सरल करते, थोड़ा पानी और मिलाते दूध में, और क्या करते, मुझे आखिरी के चार पांच पॉइंट नहीं बोलते, लेकिन हम आपको विचार कोटी में रखने के लिए कह रहे हैं, आप विचार करो। सच्ची बात है कि हम तो जरा सी पूजन पाठ स्वाध्याय थोड़ा सादगी का जीवन हो, इतने में ही अपने आपको कृतकृत्य समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची बात है धन्य होगी वह घड़ी जब, ए सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं, धन्य होगी वह घड़ी, अभी तो ये प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमाएं हैं जिन्हें भगवान नहीं है साक्षात, कितनी विरक्त परिणति होगी उस छायिक भाव से भी कि जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, कितने घंटे, छह घंटे, कितने कितने है वो देख लेना हिसाब आप, कितना है वो, छह घंटे, सात घंटा बीस मिनट, बारह मिनट, सात घंटा बारह मिनट, अब मुझे याद हो गया, बस अब नहीं भूलूंगा जिंदगी, मेरे यही गड़बड़ है, ये एक बार सभा में याद हुए तो हो जाए, अलग से याद करूं तो भूल जाता हूं। सात घंटे बारह मिनट भगवान की वाणी खिपती है, ध्यान से सुनना दृश्य, और जीव आते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते ही देश न लब्धी और विशुद्धि प्रायोग करण छाय समीक सब हो गई ना कंप्लीट, और करण कर लब्धि में पहुंच गए, माने धन्य है वे जीव, मिथ्या दृष्टि जीव भी वे धन्य है जो भगवान के सामने आकर के भी भगवान की ओर ही नहीं देखते रहे, और भगवान की दिव्य ध्वनि हम पूरी सुने छह घंटा सात घंटा बारह मिनट ये भी नहीं, फौरन करण लब्धि करके भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रही और इन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया। एक प्रकार से कहूं तो अंतराय कर्म की चर्चा है थोड़ी सी, उन्होंने अनुभव का अंतराय समाप्त कर लिया। कौन सा अंतराय समाप्त कर लिया? अनुभव का अंतराय। और यहां से कितने दिगंबर मुनिराज भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रहती है और वहीं श्रेणी मानकर केवल ज्ञान ले लेते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे, बोलो छाया सम्यक भाव अहंकार करने लायक है या नहीं है? यदि ये बात आज आपको समझ में आ गई कि वास्तव में हम दूसरे का बुरा भला नहीं करते, अपना ही बुरा भला करते हैं, तो आज आपके जीवन में बहुत निर्मलता आएगी। बाकी और भी पॉइंट थे आसाधन और उपघात जिनकी चर्चा कल हुई थी, इनको आप घटित करना। मैंने चार सवाल सोल्व किए हैं और दो सवाल आपको छोड़ता हूं, कम से कम दो मिनट बैठ करके
जरूर इस बात पर सोचना कि आसातना और उपघात से अपना घात कैसे होता होगा। ओम नमः शिवाय।